पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई होगी। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में अपील दायर की थी, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था। इसमें विनेश ने संयुक्त सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग उठाई है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे आज दोपहर भारत के टाइम के अनुसार 1 बजे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में विनेश का केस लड़ेंगे। दरअसल विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक की महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ बुधवार को CAS में अपील की और मांग की कि उन्हें संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाए। ओलंपिक खेलों के दौरान या उद्घाटन समारोह से पहले 10 दिनों में होने वाले किसी भी विवाद के समाधान के लिए यहाँ CAS विभाग को स्थापित किया गया है। सेमीफाइनल में विनेश से हारने वाली क्यूबा की पहलवान यूसनेलिस गुजमेन लोपेज ने फाइनल में उनकी जगह ली है। CAS में पहले गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन भारतीय दल ने सुनवाई के लिए भारतीय वकील भी नियुक्त करने के लिए समय की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार यानी आज तक के लिए स्थगित कर दी थी। वहीं अब जानकारी के मुताबिक भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और किंग्स काउंसिल हरीश साल्वे इस केस में CAS के सामने भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से पेश होंगे। बताया जा रहा है कि फैसला आज ही आ सकता है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इस मामले में और सुनवाई की ज़रूरत है तो अगली तारीख भी दे सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर मामलों में फैसला उसी दिन आ जाता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS दुनिया भर में खेलों के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम खेल से जुड़ी कानूनी विवादों को ख़त्म करना है। इसकी स्थापना साल 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजर्न में स्थित है। वहीं इसके कोर्ट न्यूयॉर्क, सिडनी और लॉजर्न में है। वैसे अस्थायी कोर्ट वर्तमान ओलंपिक शहरों में भी बनाई जाती है। इसी कड़ी में CAS इस बार पेरिस में स्थापित है, जहां विनेश फोगाट मामले की सुनवाई होनी है। दरअसल 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग कैटेगरी के फाइनल मुकाबले से कुछ ही घंटे पहले विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। आरोप था कि विनेश का वजन करीब 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया। ऐसे में नियम के कारण वह सेमीफाइनल जीतने के बाद भी गोल्ड मेडल से चूक गई। हालांकि विनेश ने इस फैसले पर आपत्ति जताई और संयुक्त सिल्वर मेडल देने की मांग की। अब यह आज पता लग जाएगा या हो सकता है आने वाले वक्त में पता लगेगा कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाएगा या उनको डिस्क्वालीफाइड ही रखा जाएगा। इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।